पारसी क्विजीन है क्या चीज़, मतलब क्या खाने को मिलता है इसमें? इसमें सभी चीज़ है, फिश है, चिकन है, मटन है, एग्स है। वेज ऑप्शंस है पारसी क्विजीन में? वेज ऑप्शंस है ना? यस। अच्छा, और ये जो भी है सर, उसमें सब टेस्ट ऐसा आएगा कि पहले मीठा आएगा जब आप मुंह में रखोगे, ओके, फिर थोड़ा खट्टा आएगा। अच्छा, जब गले में जाएगा तो कभी तीखा आएगा। मिठू बाटी से खट्टो मिठो, खट्टो मिठू तीखो। So it's a blend of all these three. Blend of all three. Okay. The reason being that the most common thing that is being used is a sugarcane vinegar in all the preparations. Sugarcane vinegar. Okay. Yeah, it's an authentic vinegar which we get from Gujarat. So that is the very typical ingredient of Parsi cuisine. Yes, sir. Okay. And this vinegar is a blended brewed. It's not the synthetic vinegar which we use today. Mm-hmm. So it gives a taste of a sour and sweet in all the items. Right. And we add jaggery also. Achha. We add sugar also. Like regular jaggery, what we get outside. Regular jaggery. Achha, teekhapan ke liye kya? Green chili use hota hai? Red chili? Green chili. Black pepper ka use hai? Nahin. Kam hai. Khali green chilies pe hi chalta hai. Aur khattepan ke liye to vinegar ho gaya. Sugar and vinegar ho gaya. Mithas ke liye jaggery ho gaya. Jaggery ho gaya. Sugar ho gaya. Aur iske liye green chilies ho gaya. To yahi hai Parsi cuisine. That's right. Agar poocha jaye Parsi cuisine ka 5 dish bataiye. जैसे बंगाल में मछली झोल होता है, तो पांच डिश बताइए तो क्या बताएंगे? एक है पतरानी मच्छी, पतरानी मच्छी। एक है सली मुर्गी। ओके। एक है धनसा। ओके। एक लगन में कस्टर्ड। ओके। और एक सास्ती मच्छी। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे अंडा का क्या बन रहा था? वो अंडा का जो है वो सली पे इडू है आज। ओके। एक दिन टमाटर पे इडू है, एक दिन भिंडी पे इडू है। ऐसा डे टू डे वेरी कर रहे हैं। ग्रेट, ठीक है, चलिए चलते हैं अभी खाने पे। सो हम लोग के साथ है शेफ टेम्पटेन। शेफ ये बताइए, ये जो एडू काउंटर है ये है क्या चीज? एडू काउंटर पे हमारे पास सली पर एडू है। सली मीन्स पोटेटो स्ट्रॉस। ये जो पोटेटो स्ट्रॉस है उसको ऐसे पैन में डाल के उसके ऊपर थोड़ा पानी, नीचे कोई तेल डाला जाता है? कुछ भी नहीं, इट्स ओनली पानी डालते हैं। जब हीट होता है तो ये पोटैटो स्ट्रॉस ऑयल रिलीज करते हैं। ओके। उसको कवर करके उसको स्टीम करना है। अच्छा। एक ब्रेक करके उस पर थोड़ा अच्छा कोरिएंडर और थोड़ा मिर्ची वो डाल के दैट्स इट। यस, उसको कवर कर देना है पैन के साथ और 5 मिनट में आपका खाना तैयार है। वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी बिकॉज इट्स स्टीम। हाँ, 5 मिनट में आपको दिखेगा मेरे को ऐसा एक, दिस इज द रेडीमेड वन। ऐसा रेडीमेड आप, हाउ डू यू ईट दिस विद ब्रेड? चपाती, चपाती इसके साथ, दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैव यू हैड। ओके। अच्छा सिर्फ और एक चीज बताइए, पारसी खाने में हम लोग ये अंडे का डिश आते हैं ना? हाँ जी। पहला जो नाम दिमाग में आता है दैट इज अकुल। अकुल, आई एम सॉरी फॉर बीइंग अ बिट नोविस, बट पहला तो वही चीज दिमाग में आता है। दोनों का डिफरेंस क्या है? अकुल ऐसा स्क्रैम्बल्ड लेग जैसा आता है, वैसा आता है। अच्छा। उसके अंदर वो फ्राइड अनियंस, टमाटोज को मिक्स करके उसे पूरा मिक्स किया जाता है। अच्छा। और ये जो है अंडा, पारसी सब चीज पे अंडा खाते हैं। टमाटो बेस पे टमाटो पे अंडा खाते हैं, पोटेटोज पे अंडा खाते हैं, भिंडी पे अंडा खाते हैं। अच्छा। सब अंडा तो चाहिए, अंडा तो चाहिए। अंडा इज अ स्टेपल डाइट ऑफ पारसी। ग्रेट। एवरी डे मॉर्निंग 2 eggs गिव टू डॉक्टर। हां, लवली। ठीक है, तो ये आपका शायद होने को आया है जहाँ तक देख के लग रहा है। Needs a few minutes to have that. Great. And the finished product is this. Like this. So we can have it with chapati on breakfast, dinner, whatever. Chapati is great, कुछ भी चलता है, but chapati is taste best with this. मतलब मेरी बीवी अगर मारेगी तो मैं ये पकड़ के खा जाऊंगा। अगर बीवी मार के खाना नहीं दे तो ये 5 मिनट में बना के आप भूखे नहीं सोओगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो पारसी फूड फेस्टिवल में ये इतना सब कुछ तो बना हुआ है लास्ट में, मुझे थोड़ा समझाइए कौन सा क्या है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे जाना है? ये स्टार्टर है चिकन फार्चा। चिकन फार्चा, ओके। चिकन फार्चा यानी वो चिकन के पीसेस है, उसको मैरिनेट करके थोड़ा कुक करके फिर उसको बैटर में फ्राई किया है, एग बैटर में। एग बैटर में, समथिंग लाइक कैंटकी फ्राइड चिकन। हाँ, तो यहाँ पे भी अंडा आ गया। yeah. मतलब पारसी खाने में अंडा तो आना ही है, अंडे के बिना तो कुछ होता ही नहीं। जिस तरेली मच्छी, तरेली मीन्स फ्राइड, तरेली इज अ गुजराती पारसी लिंगो।
और उसको डायरेक्ट फ्राई किया है मसाला लगा के और ऑल पारसी स्पाइसेस डाल के. जैसे पारसी स्पाइस एक दो बताइए, मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू अ रेसिपी बट नहीं, पारसी स्पाइसेस में वो सब मसाले जो होते हैं वो हमारे दाना जीरू, पारसी दाना जीरू, देन मिर्ची की मुखी, पारसी धनसाक मसाला, अच्छा अच्छा अच्छा, वो सब ऐड करके उसको मिक्स करके लगाया जाता है. तरेली मच्छी नींबू निचोड़ के खाया जाता है. नींबू निचोड़ के बेस्ट, और दारू के साथ तो बेस्ट लगेगा, वो तो देख के ही लग रहा है. अच्छा, सो दीज आर स्टार्टर्स. दीज आर स्टार्टर्स. ओके, ये हैं वेज के ऑप्शन. ज़्यादा पारसी लोग वेज नहीं रहते, हमको वेज के ऑप्शन देने पड़ेंगे. तो ये जो है वो सोटी बोटी है. व्हाट इज दैट? सोटी बोटी. सोटी बोटी. एंड व्हाट इज अ सोटी बोटी? सोटी बोटी स्टिक. सोटी यानी वो स्टिक होती है, वो साते स्टिक जैसा एक. साते स्टिक, हाँ. और उसके ऊपर पोटैटोज है, कैप्सिकम है, पनीर है, उनको भी वापस वो पारसी स्पाइसेस में मिक्स करके करेक्ट एक बैटर बना के उसमें फ्राई किया. ये बैटर किस चीज़ का? मेरे का बेसन. बेसन इसके बाद क्या खिलाएंगे? इसके बाद में ये है सली मुर्गी. ये तो बहुत फेमस डिश है. ये सली यानी पोटैटो स्ट्रॉज है, राइट, और चिकन है, डीप फ्राइड पोटैटो और ग्रेवी है, डीप फ्राइड. यस. चिकन क्या, नॉर्मल चिकन ग्रेवी है कोई स्पेशल? ये ग्रेवी जो है वो खट्टा मीठा और तीखा, जैसे सब पारसी आइटम्स रहते हैं, जब आप खाते हो तो मीठा लगता है, फिर जीप पे थोड़ा खट्टा लगता है, और जब गले में जाता है तीखा लगता है. एप्रिकॉट देते हैं आप इसमें? एप्रिकॉट इस पे है. जर्दालू बोलते हैं. जर्दालू. जर्दालू इन पारसी लिंगो इज एप्रिकॉट. ओके, अच्छा ठीक है. ये हो गया. ये जो है सासनी मच्छी. सासनी. सॉस, बट इट इज स्पेल्ड एज सास, एस डबल एस. ओके. नी मच्छी मीन्स सास के अंदर फिश है. ओके. और ये जो है, ये इसका जो ग्रेवी है, दैट इज मेड अप ऑफ राइस फ्लावर. दैट इज मेड अप राइस फ्लावर. राइस फ्लावर. ओके. चावल के आटे का है तो इसीलिए व्हाइट ग्रेवी टाइप का बना हुआ है. चावल के आटा है, उसमें एग्स है, उसमें मिक्स करके फिर उसे बनाया. तो ग्रेवी में भी एग डाला हुआ है. यस. ब्रिलियंट. And this we are supposed to have with rice or roti? No, we are supposed to have it with either roti or आप इसके साथ वो yellow खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं. मतलब brown rice जो है या yellow? Yellow खिचड़ी. अच्छा, parts में वो brown rice बहुत चलता है ना? Brown rice तो ये है धनसाक. अच्छा 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 अच्छा. Brown rice जो है ये धनसाक में है. There is brown rice, उसके ऊपर दाल डाला हुआ है. Actually brown rice, it's caramelized. ये जो brown rice caramelized किया हुआ है sugar डाल के. Okay. तो उसको ब्राउन कलर आता है. अच्छा. और ये दाल जो है वो दाल के अंदर आइदर मीट रहता है या चिकन रहता है. साथ में ये कचुमर है. इट्स मोर टेस्टी विद मीट. राइट. इसका ओरिजिनल टेस्ट तो मटन में ही है. हाँ. लेकिन आप चिकन का, अगर मटन नहीं खाते चिकन खाते हो कुछ कर नहीं सकता आदमी. साथ में ये कचुमर है. राइट. और नींबू चाहिए. और ये चीज खाने के बाद आप काम नहीं कर सकते हो. सोना तो पड़ेगा. जरूरी है. ये यूजुअली पारसी लोग संडे आफ्टरनून में खाते हैं, तो फिर शाम को आराम से उठते हैं. लाइक वी हैव मांसो भात इन बंगाल. यस. कोसा मांसो एंड भात. वी आर सपोज्ड टू हैव मटन विद आलू एंड राइस. यस. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट. दिस इज अ पारसी डेलिकेसी फॉर संडे. अच्छा. फोर्थ डे ऑफ मोर्निंग. जब आदमी मर जाता है तो चौथे पे ये खाते हो. अच्छा. मटन का. ओके. अच्छा, दिस इज सरेलू मच्छी. नहीं, दिस इज सासनी मच्छी. सासनी मच्छी. आई एम वेरी सॉरी. दिस इज तरेली मच्छी. दिस इज तरेली मच्छी. राइट. दिस इज द वेज ऑप्शंस. ये जो है वो स्टू है. लगन में स्टू. लगन मीन्स शादी. शादी में जो बनाते हैं स्टू, वो ये स्टू है. किस चीज का बनता है वो? मिक्स वेजिटेबल्स, कैरेट, स्वीट पोटेटो, यम, पोटेटो, वो सबको फ्राई करके फिर उसको वो टमाटो ग्रेवी में ब्लेंड करके बनाते हैं. अच्छा. और ये है राई जीरा पोटेटो. राई जीरा पोटेटो. या राई मतलब राई मीन्स मतलब सरसों हम लोग जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड. वो पोटैटो बॉईल करते हैं और उसके साथ में ये ऐड करके सॉटे करते हैं. कैन वी कॉल इट एज अ पारसी वर्जन ऑफ आलू जीरा? यस. मे बी अ बिट डिफरेंट बट. और ये जो है दैट इज दूधमा कॉलीफ्लावर. दूधमा कॉलीफ्लावर. दूध के अंदर बनाया गया है इसे. ये शैलो फ्राई करके बनता है या स्टर फ्राई करके बनता है? कैसे बनता है? शैलो फ्राई. सॉरी, शैलो फ्राई करके बनता है. सो एंड ये जो वो जो साली पोटैटो जो बन रहा है ये बना है वो. राइट. और ये जो है लास्ट है लगन्नू कस्टर्ड. ये बहुत सही बनता है शेफ, कसम से बोल रहा हूँ. दिस इज द शो स्टॉपर. उसे नहीं पार्सल में.
ये लगनू कस्टर्ड जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कस्टर्ड्स क्योंकि इसका पूरा मिल्क जो है हाँ? वो बर्न करके आधा रिड्यूस करते हैं। अच्छा, फिर उसको ठंडा करके उसमें एग्स डालते हैं। ओके, फिर उसको बेक करते हैं। अच्छा, मतलब तीन स्टेप में कुकिंग होता है। yes. पहले उसको रिड्यूस किया गया, फिर उसको अंडा डाल ठंडा किया। ठंडा करने के बाद अंडा डालते हैं, अगर पहले डालेंगे फट जाएगा। ओके, तो ठंडा करके अंडा डालते हैं, अंडा डालने के बाद उसको रिगरसली मिक्स करके फिर उसको बेक करते हैं। अच्छा, ओके, इसके ऊपर ये क्या दिया? कट हो गया। हाँ, इसमें इसके ऊपर क्या दिया हुआ है? इसके ऊपर चिरौंजी है, चारोली हम लोग पारसी लिखने में बोलते हैं। ये चिरौंजी वो उसके ऊपर डालते हैं, कभी काजू डालते हैं, मतलब हल्का फुल्का कुछ ड्राई फ्रूट टाइप का बन जाता है तो थोड़ा मिठास। राइट, और ये कैरामल कस्टर्ड? ये नॉर्मल कैरामल कस्टर्ड है, ये नॉर्मल जैसा बनता है कैरामल कस्टर्ड बनाते हैं। और ये जो है वो फालूदा है, फालूदा विद आइसक्रीम। इतना सारा लेयर्स बना हुआ है या ग्लास है? सर, लेयर्स है, लेयर्स। क्या क्या चीज का लेयर बनाते हैं उसमें आप? वो सिरप, ठीक है। ईरानी चाय क्या खासियत है? खासियत ये है कि ये जो नॉर्मल चाय बनती है उसके बदले हम इसके अंदर लेमन ग्रास और फुदीना डालते हैं। अच्छा, इसे बॉईल करते हैं। ये बॉईल हमेशा होता रहता है, मतलब कड़क बन जाता होगा? कड़क बनता है, फिर उसके अंदर मिल्क डालते हैं। अच्छा, मिल्क डाल के फिर स्ट्रेन करके फिर सर्व करते हैं। अच्छा, चीनी जाता है इसमें? सॉरी, चीनी जैसे सबको सबकी मर्जी, अगर कोई डायबिटिक हो तो बिना चीनी के पीता है। अच्छा, अभी वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो शुगर फ्री पीते हैं। वो छोड़िए ना, चीनी का जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, थैंक यू सो मच शेफ। ये नोवोटेल में तीन चार या पांच साल के बाद Why Parsi Food Festival? Why do you do it every year? See, this is something which is very unique. जरा हटके है और कोई करता नहीं और लोगों को पारसी फूड का एक्सपीरियंस राइट जो कि कैलकटा में बहुत कम है, बहुत कम है, तो हम इसको एक प्लेटफॉर्म पे करते हैं। दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग फूड फेस्टिवल्स विच वी डू। जनरली फूड फेस्टिवल्स वी डू फॉर 4 days, 5 days, करेक्ट, मैक्सिमम 6 days a week. This one we run for more than 10. So this year we are running it for 12 days. For a pretty long time. Yes. 2 weeks. Yes, because we want people to experience. And this is part of the buffet? Part of the buffet, yes. Only dinner or lunch and dinner both? Only dinner. And you know, so when you travel out with families, there are not everybody wants to experiment with. Correct. So we also have regular items as well on the buffet. Mm-hmm. और इसके साथ साथ हो गया पार्सल जो थोड़ा हटके अलग खाना है। ठीक है शेफ, थैंक यू सो मच और आई विश एंड रदर वी कैलकटन्स विश ऑल द बेस्ट फॉर पार्सल फूड फेस्टिवल। थैंक यू।